कहना चाहता हूँ कि लोगों बहुत उत्साह है, प्रदेशवासियों में बहुत उत्साह है, क्योंकि देश के अंदर यात्रा का स्वागत जो हो रहा है वो आप देख रहे हो कि पूरे देश जो है, पूरे देश की जो भावना है, जो मुद्दे हैं दिल के अंदर, महंगाई का मुद्दा है, बेरोजगारी का मुद्दा है, और साथ में प्यार मोहब्बत शांति सद्भावना से राजनीति हो, हिंसा नहीं हो, ये मुद्दे जो पूरे देश के देशवासियों के दिल में हैं, वही मुद्दे लेके राहुल जी निकले हैं यात्रा में, वही मुद्दे लेके उन्होंने संदेश दिया है जगह जगह, केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, फिर तेलंगाना, फिर आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश, सब जगह जो वेलकम लोग कर रहे हैं वो एक मैसेज पूरे देशवासियों के लिए है, और सबसे बड़ा मैसेज है भारत सरकार के लिए, मोदी जी के लिए, अमित शाह जी के लिए, कि देश में हो क्या रहा है, जिस रूप में महंगाई बढ़ती जा रही है, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, हिंसा हो रही है, तनाव हो रहा है, तो ये देश हित में नहीं है, ये मैसेज देने में कामयाब रहे राहुल गांधी जी, और राजस्थान में बहुत शानदार तरीके से यात्रा निकलेगी और पूरे प्रदेशवासी बहुत सहयोग करेंगे उसके। सर ये जिस तरीके से कुछ विरोध की भी बातें हो रही हैं कि कई जगह जैसे उनको मनाने की भी, गुजरों को भी मनाने की कोशिश की जा रही है, इस तरीके की बातें आ रही हैं, मनाने की जरूरत नहीं है, गुजर हो या कोई भी हो, हर व्यक्ति को अधिकार होता है अपनी बात कहना, ये तो लोकतंत्र की खासियत है, और यही कांग्रेस ने हमेशा अपनाया इस बात को, हम कोई बीजेपी तरह है नहीं कि पत्रकारों को अगर पत्रकार असमज व्यक्त करें तो जेल जाओ, साहित्यकार हो, लेखक हो, और उनकी मीटिंग में चले जाओ, तो जिस प्रकार का व्यवहार किया है आज से 15-20 साल से आप भी देख रहे होंगे, जगह जगह पत्रकारों की पिटाई किसने की है, बीजेपी लोगों ने करी है, कांग्रेस वाले हमेशा प्यार से गले लगाते हैं और व्यवहार करते हैं, पत्रकारिता के साथ में जो होना चाहिए पत्रकारिता के साथ में व्यवहार कांग्रेस करते आए हैं, इसलिए ये काम उनका है। सर राहुल गांधी ने कल एक बयान दिया है, राहुल गांधी ने क्या सच्चाई बताई, क्या मानते हैं सर? दोनों ही नेताओं को एसेट बताया, उन्होंने कहा है कि कांग्रेस पार्टी का, लेकिन और नेता जो बयानबाजी कर रहे हैं उसे लगता है, जो अगर राहुल गांधी जी ने कहा है वो हमारे सबके नेता है, जब राहुल गांधी जी ने कहा है एसेट है तो फिर एसेट है, फिर डिस्क्रिप्शन किस बात का, हमारी पार्टी की सबसे बड़ी खूबी रही है आज़ादी के पहले आज़ादी के बाद में, जो नंबर वन नेता होता है उसके डिसिप्लिन में पार्टी चलती है, जो कांग्रेस अध्यक्ष होता है उसके डिसिप्लिन पार्टी चलती है, हमारे यहाँ उनके कहने के बाद में कोई गुंजाइश रहती नहीं है और पार्टी उतरे, जब राहुल गांधी ने कह दिया कि एसेट है तो हम सब एसेट हैं। सर उन नेताओं के बारे में ये भी है, वो हम लोगों के साथ में उनके माने ये थे, अच्छी बात कही है, दोनों नेता एसेट है, मतलब बाकी लोग भी सारों के सब एसेट है, सब मिलके ही यात्रा को भी कामयाब करेंगे, और अगला चुनाव जो है 23 का मुख्य मुद्दा वो है, वो हम जीत के बताएंगे, प्रदेशवासी साथ देंगे हमारा, क्योंकि इस बार माहौल हमारे पक्ष के अंदर जो योजना हमने बनाई है, ऐसी योजनाएं शिक्षा की हो, स्वास्थ्य की हो, किसानों की हो, मैं समझता हूँ कि महिलाओं के लिए हो, युवाओं के लिए हो, छात्रों के लिए हो, ऐसी योजनाएं देश में कहीं नहीं बनी है, कहीं नहीं बनी है, और वो योजना गांव-गांव तक पहुँचने लग गई है, उसका लाभ हमें मिलेगा, इसलिए मैं कहीं दौरे करने जाता हूँ तो पहली बार मैं देखता हूँ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मोबाइल के कारण ऊपर करना पड़ता है, लोग मिल रहे हैं, हाथ मिलाते हैं, स्वागत करते हैं, इसका मायने क्या हुआ, इसके मायने का हमारी सगाई आ रही है, और आप सबसे मैं अपील करूँगा बार बार सरकार बदलती है उसके हम लोग अच्छे नहीं रहे हैं, फाइनली एक अयम रिपोर्ट है 40,000 करोड़ का प्रोजेक्ट था, आज वो 70,000 करोड़ का प्रोजेक्ट बन गया है, बताइए कितना बड़ा नुकसान होगा, हम ERCP के पीछे पड़े हुए हैं और सरकार के अंदर पैसा नहीं दे रही, हम अपना मेहनत लगा रहे हैं, 9,500 करोड़ रुपये हमने रख दिए उसके अंदर, तो हमारी तो सोच है कि नेगेटिव सोचो मत, पॉजिटिव सोच रखो,
उसी तरह हम चल रहे हैं। इसलिए मुझे लगता है इस बार जो है पब्लिक मानस बना चुकी है कि इस बार सरकार कांग्रेस रिपीट करनी है। सर जी कह रहे हैं कि आप इतने नाराज हैं, आपने बयान दिए तो कार्रवाई उनके ऊपर क्यों नहीं कर रहे जिनके लिए आपने नाराजगी व्यक्त की है। गुलाबचंद कटारिया कह रहे हैं कि आपने जिनके लिए नाराजगी व्यक्त की तो उनके ऊपर कार्रवाई आखिरकार क्यों नहीं हुई। फिर वो पंचायत हमारी वो करेंगे अपना घर संभाल ले, पाँच सात तो वहाँ बैठे हुए हैं नेता अपन लड़ रहे हैं वहाँ आपस के अंदर, वो क्या उनको कहा कमेंट करने जरूरत है हमारी पार्टी पर। अपनी पार्टी घर संभाल लेंगे तो बहुत है उनकी, बहुत दुर्गति हो रही बीजेपी राजस्थान में। सर ओपीएस को लेकर नीति आयोग ने टिप्पणी की है कि स्टेट सरकार इस तरह घोषणा ही कर रही है। मैं आपको कहना चाहूँगा कि नीति आयोग कहो चाहे और इकोनॉमिस्ट भी कह रहे हैं, आरबीआई भी कह सकता है, परंतु उन सबको पूछना चाहिए कि नोटबंदी जो हुई थी उस वक्त में आपने क्या क्वेश्चन उठाया। नोटबंदी बहुत बड़ा मुद्दा था, बिना आरबीआई के पूछे हुए विश्वास में लिए गए, नोटबंदी कर दी गई, लोग लाइनों में लगे, कितने लोग मर गए हैं, कितने लोग मर गए थे। ये तो हम जो हमारे सरकारी कर्मचारी हैं जो गवर्नेंस में कामयाबी होने में मदद करते हैं बल्कि गवर्नेंस में सहयोगी होते हैं, उनके लिए मानवीय दृष्टिकोण से हमने फैसला किया है, मानवीय दृष्टिकोण से फैसला किया। मैं नीति आयोग कहना चाहूँगा, हमने मोदी जी को भी कहा है आप कृपा करके जो हमारी योजनाएं हैं चाहे वो ओपीएस है चाहे वो चिरंजीव योजना है चाहे महिलाओं के लिए हमने जो नैपकिन दिए हैं माहवारी के लिए के वो हैं, हमारी कई योजनाएं ऐसी है जिनको पूरे कंट्री के अंदर लागू करना चाहिए। पेंशन योजना है गरीबों के, क्या बुजुर्गों के लिए, विधवाओं के लिए और साथ में अपने ये निस्सहजनों के लिए 1800 भी देते हैं राज्यों में, केंद्र को नीति बनानी चाहिए पूरे देश के लिए। अब जमाना आ गया है, ये देश भी 21st सेंचुरी में पहुंच चुका है, नीति बने पूरे देश के लिए, पेंशन के लिए नीति बने, जिस दुनिया के मुल्क में हर वीक में पैसा पहुंचता है गरीबों घरों में, जिससे कि परिवार कोई तकलीफ में नहीं आए, वो स्थिति देश में लागू होना चाहिए। तो हमारी जो योजना चापाएँ ऐसी है जिनको केंद्र को अपनाना चाहिए पूरे देश के लिए। सर भारत जोड़ो यात्रा में अलग अलग तस्वीरें देखने को मिल रही हैं, क्या ये तस्वीर भी देखने को मिलेगी कि जिसमें आप नाराज हैं? कहने का मतलब है हर कार्यक्रम